बस्तर जिले के ग्रामीण अंचलों में जिला प्रशासन ने औद्योगिक पार्क खोलने की तैयारी पूरी कर ली है। जिले में कुल 14 औद्योगिक पार्क खोलने की योजना बनाई गई है। गौठानों में बनाए जा रहे इन औद्योगिक पार्क में स्थानीय खाद्य उत्पाद और लघु वनोपज के लिए प्रोसेसिंग सेंटरों की स्थापना की जाएगी, जिसमें बांस, काष्ठ सहित अन्य हस्तशिल्प संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना की जाएगी, जहां बेरोजगार युवा और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने बताया कि लगभग 3-3 एकड़ में औद्योगिक पार्क को बनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डिजिटल तौर पर इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर भूमि पूजन भी कर रहे हैं। कलेक्टर ने बताया कि जिले में शिक्षित बेरोजगारों को खुद का औद्योगिक स्थापित करने के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी और गौठानों के औद्योगिक पार्क में तब्दील होने से जिले में लघु और कुटीर उद्योगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इन औद्योगिक पार्क में मुख्य रूप से सब्जी उत्पादन, मशरूम उत्पादन, मछली पालन, मुर्गी पालन, अंडा उत्पादन, बटेर पालन, सुअर पालन, डेयरी, बकरी पालन किया जा सकता है। इसके अलावा मिनी राइस मिल, फेनाइल, हैंड वॉश, साबुन, अगरबत्ती, सैनिटरी नैपकिन, मुरमुरा, पापड़, नूडल्स, पेपर ब्लॉक, चप्पल निर्माण, तेलघनी, हर्बल गुलाल आदि उद्योग यहां लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही युवाओं, ग्रामीण महिलाओं को यहां प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जिसके तहत प्रति ब्लॉक में दो ऐसे बड़े गौठान जहां पे भूमि उपलब्ध है, वहां पर ग्रामीण औद्योगिकी क्षेत्र का वहां पे लगाना है और इसके लिए प्रति ब्लॉक प्रति अरीपा जो है 2-2 करोड़ की राशि भी राज्य शासन ने आवंटित किए हैं। इसका मूल उद्देश्य यह है कि ऐसे कई सारे प्रोडक्ट रॉ मटेरियल जो है हमारे बस्तर के क्षेत्र में होते हैं, प्रचुर मात्रा में यहाँ पे